हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते प्यारे छात्रों। आज हम बात कर रहे हैं ग्लिसरॉल की। ये लास्ट टॉपिक है यूनिट 4 का, अल्कोहल का। इसके स्टार्टिंग के जो दो टॉपिक है वो आपको अरोड़ा सर ने करवा दिए होंगे या एक दो दिन में आपको मिल जाएंगे। मैं जो टॉपिक करवा रहा हूँ या मेरे हिस्से में जो टॉपिक आया दोस्तों, वो सबसे लास्ट टॉपिक है ट्राईहाइड्रिक अल्कोहल। और कल वाले वीडियो में मैंने देख लिया था कि जो ग्लिसरॉल है हम उसको ट्राईहाइड्रिक अल्कोहल कहते हैं, इसका इंट्रोडक्शन मैंने दे दिया था। और आज हम इसकी नॉमनक्लेचर चलते हैं दोस्तों। तो मैंने इधर ये 3 पॉइंट लिखे हुए हैं, तो सबसे पहले नॉमनक्लेचर पर चलते हैं कि हम क्या कहते हैं और कौन कौन से नाम हो सकते हैं। तो स्ट्रक्चर तो कल आपको दोस्तों ध्यान ही होगी, इस तरीके से OH, OH और OH, ठीक है। तो 3 OH होने की वजह से ये ट्राईहाइड्रिक अल्कोहल की कैटेगरी में आते हैं। और इसका सामान्य नाम ग्लिसरॉल है, लेकिन ये केमिस्ट्री में तो आपको ग्लिसरॉल के नाम से मिल जाएगा, बाकी सोसाइटी में जो या आम जो दुकानों पे मिलता है ये ग्लिसरीन के नाम से मिलता है। मतलब मेजर उसमें ग्लिसरीन में ग्लिसरॉल ही होता है। और बड़ा अच्छा कंपाउंड है ये। गर्मियों में मैं मुझे लगा है, कई बार मैंने अपनी खुद की स्किन पे लगाया है। सुबह जब आप उठते हो तो आपकी स्किन सॉफ्ट मिलती है इससे। ये कॉस्मेटिक्स में बहुत यूज आता है दोस्तों, जो ग्लिसरीन है या ग्लिसरॉल है ना। तो इसका कॉमन नेम तो ग्लिसरॉल हो ही गया फ्रेंड्स, कॉमन नेम तो ग्लिसरॉल हो ही गया। और दूसरा इसका आईपीएससी नाम मैं नंबर देता हूँ 1, 2, 3। तो हमें पता है कि यार अल्कोहलों को ऑल कहते हैं आईपीएससी में। और ये 3 कार्बन हो गए और तीनों पर 1 पर 2 पर 3 पर तीनों पर ही OH है दोस्तों। और इसका नाम हो जाएगा आईपीएससी नेम प्रोपेन 1, 2, 3 ट्राईऑल। 3 कार्बन है तो दोस्तों प्रोपेन लिख देते हैं पहले, प्रोपेन और फिर 1, 2, 3 और ट्राईऑल। तो इस तरीके से दोस्तों ये इसका आईपीएससी नाम हो गया। दूसरा इसका नाम है तो मैं आपको ग्लिसरॉल वहां लिखा हुआ ही है। तो इस तरीके से इसकी नाम और स्ट्रक्चर्स में कुछ खास चीज नहीं है। और दोस्तों जो अगर हम बात करें ये पाए कहाँ जाते हैं, तो हमारी बॉडी के अंदर दोस्तों जो ट्राइग्लिसराइड्स है, ठीक है, वहां ये पाए जाते हैं एस्टर्स के रूप में। जो मैं जब इनकी केमिकल रिएक्शंस करवाऊंगा दोस्तों, तो मैं आपको ये बताऊंगा कि यार ये कहाँ पाए जाते हैं। तो मैं अभी इस वाले वीडियो में जो है आपको 2 चीजें करवा रहा हूँ। एक तो मैंने नॉमनक्लेचर करवा दी कि भाई इसको प्रोपेन 1, 2, 3 ट्राईऑल कहते हैं और ग्लिसरॉल भी कहते हैं। दूसरी जो मैं चीज करवा रहा हूँ वो सिंथेसिस करवा रहा हूँ फ्रेंड्स। तो ठीक है, हम दूसरे टॉपिक पर चलते हैं, सिंथेसिस पर। तो इसकी 2 सिंथेसिस मैं करवा रहा हूँ और बड़ी अच्छी सी सिंथेसिस है। अगर आप एक बार मेरा वीडियो देखोगे तो आपको तुरंत हाथों हाथ ही समझ में आ जाएगा। तो सिंथेसिस पर चलते हैं। तो पहली सिंथेसिस जो है इसका औद्योगिक उत्पादन, इंडस्ट्रियल लेवल, मतलब ग्लिसरीन जो है वर्ल्ड में बहुत ज्यादा काम आती है। तो अगर मैं बात करूं कि भाई इसको वर्ल्ड लेवल पे कैसे बनाते हैं या इंडस्ट्री लेवल पर कौन से बनाते हैं, तो फिर मैं कहूंगा इसको ट्राइग्लिसराइड से, या जो फैट और ऑयल में, जो तेलों में है, ठीक है, तेलों की जब हम रिएक्शंस करवाते हैं, क्योंकि तेलों में जो होते हैं वो ये होते हैं। मैं दोस्तों स्ट्रक्चर लिख देता हूँ, CH2O CO C2H। ये अब यहाँ पे ध्यान रखना, ये 17 कार्बन लिखने वाला हूँ मैं, ठीक है, 17, ठीक है। और ये लगभग जो है वो लिख देता हूँ 35 हो जाएंगे, ठीक है। और उसके बाद में फिर ये हो जाएगा CHO CO, ठीक है। और इधर लिख देता हूँ CH2O CO C17H 35, ठीक है। तो दोस्तों ये बेसिकली एल्किल ग्रुप हो गया, स्टेरिक हो गया, ठीक है। और ये इनको हम जो है ट्राइग्लिसराइड्स कहते हैं दोस्तों। ये मैं कहता हूँ यहाँ पे लिखता हूँ, अगर मैं कहूँगी इसका नाम क्या होगा सिंथेसिस का, तो मैं लिख सकता हूँ फ्रॉम हाइड्रोलाइसिस ऑफ टीजी में बोल रहा हूँ दोस्तों, ठीक है। टीजी होता है ट्राइग्लिसराइड्स, ठीक है। जो तेल और घी में जो पाए जाते हैं कंपाउंड्स, उनको हम ट्राइग्लिसराइड्स कहते हैं, जो कि बेसिकली एस्टर हो गए, जो RCOOR, ये एस्टर्स हो गए, ठीक है। तो मैं लिख देता हूँ फुल फॉर्म लिख देता हूँ यहाँ पे, ट्राइग्लिसराइड्स। ग्लिसराइड से कॉमन वर्ड है जो इस तरीके से है, हायर फैटी एसिड्स के एस्टर्स को कहते हैं। तो 1, 2 और 3 कितने हो गए, 3 हो गए दोस्तों। तो इस तरीके से ट्राइग्लिसराइड हो गया, सो सिंपल, ठीक है। तो इसका जब मैं हाइड्रोलिसिस करता हूँ, ठीक है, सपोज मैं इसको एल्केलाइन हाइड्रोलिसिस कर देता हूँ, ठीक है, H2O 3H2O, ठीक है, HOH, ठीक है, इस तरीके से। तो इस तरीके से ये बॉन्ड आपको मैंने पता है एस्टर लाइसिस में करवा चुका हूँ, चूंकि ये एस्टर है। तो इस तरीके से मैं H और OH इस तरीके से 3 बार, तो आपको एक कंपाउंड मिल जाएगा CH2CH और CH2OH OH और OH, और प्लस आपके ये स्टीयरिक एसिड मिल जाएगा C17H35COOH, ठीक है, स्टीयरिक एसिड, ठीक है। और ये स्टीयरिक एसिड का ट्राइग्लिसराइड है। तो इस तरीके से दोस्तों एक रिएक्शन तो ये
हो गई है और अभी नेक्स्ट रिएक्शन में अभी आपको इसी वीडियो में करवाने वाला हूं एक्रोलीन से। तो दोस्तों फिर अभी एक्रोलीन पर चलते हैं, तब तक मैं आपको ये बोर्ड साफ कर देता हूं। ओके फ्रेंड्स, सेकंड सिंथेसिस पे चलते हैं फ्रॉम एक्रोलीन। ठीक है, तो एक्रोलीन पे दोस्तों मैं आज अपने छोटे से कैमरामैन से भी आपसे आपको मिलवाऊंगा जब ये मेरा वीडियो पूरा हो जाएगा, तो आपको कई वीडियोज में उसकी आवाज सुनने को मिली होगी। तो एक्रोलीन में दोस्तों ये जो कंपाउंड्स है, पहले मैं बता देता हूँ कि किस कंपाउंड्स को हम एक्रोलीन कहते हैं। सी डबल बॉन्ड एच, और यहाँ दोस्तों हम हाइड्रोजनीकरण करेंगे, इसको कहते हैं कैटेलिटिक हाइड्रोजनीकरण, कैटेलिटिक हाइड्रोजनेशन। ठीक है, तो दोस्तों ये जो पाई बॉन्ड है, ठीक है, ये वाला जो पोलर बॉन्ड है, ठीक है, यहाँ अच्छा ये कंट्रोल कंडीशन में करना पड़ेगा हमें, अदरवाइज तो यहाँ पे भी हो सकता है दोस्तों, क्योंकि दो नहीं पाई बॉन्ड हो गए, तो कंट्रोल कैटेलिटिक हाइड्रोजनेशन है। ठीक है, आप कोई भी मेटल से ये ले सकते हो, पैलेडियम निकिल, और कंट्रोल कंडीशन में करना पड़ेगा। तो दोस्तों पहले ये बन जाएगा, इस कंपाउंड का मैंने लिख दिया एक्रोलीन, यहाँ पे भी लिख देता हूँ एक्रोलीन, और यहाँ मैं लिख देता हूँ सी एच टू, एक मिनट यहाँ वैलेंसी गड़बड़ हो गई। ठीक है, सी एच टू और डबल बॉन्ड CH, और ये हो जाएगा आपके। अच्छा, यहाँ पे जैसे एक हाइड्रोजन यहाँ जुड़ेगा, मैं दूसरा कलर ले लेता हूँ फ्रेंड्स, है ना, एक हाइड्रोजन यहाँ जुड़ेगा और एक हाइड्रोजन यहाँ जुड़ेगा इस तरीके से, तो ये हो जाएगा आपके CH2 और OH। ठीक है, और फिर एक बार अब यहाँ पे, ठीक है दोस्तों, मैं H2O2 है ना, ये कंपाउंड है H2O2, जिसको कि हम खोल के ऐसे लिखते हैं H2O2, मोस्टली रिएक्शन में इस तरीके से टूटता है OH OH। तो दोस्तों इस तरीके से मैं ये पाई बॉन्ड टूटेगा, ठीक है, और ये OH यहाँ पे और OH यहाँ पे, ये इस तरीके से दोस्तों इस पाई बॉन्ड पे, तो ये कंपाउंड बन जाएगा आपके CH2OH CH OH, ये CH2 और ये H2O2 का आधा OH जुड़ गया, फिर अगला OH यहाँ जुड़ गया, और ये पहले का OH है ही, और इस तरीके से दोस्तों ये ग्लिसरॉल बन गया।